बता दें बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान को रिलीज होने में अब एक हफ्ते से भी कम का समय बाकी रह गया है। और जैसा कि आप जानते हैं, इस साल शाहरुख खान की आई फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया था, जिसके बाद से ही उनके फैंस शाहरुख की अगली फिल्म के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में मेकर्स ने भी लोगों की बेसब्री बढ़ाते हुए बहुत सी जवान की प्रमोशनल वीडियोस जारी भी की, लेकिन लोगों को जवान के जिस ट्रेलर वीडियो का इंतजार काफी वक्त से था, उसे आखिरकार 31 अगस्त यानी आज रिलीज कर दिया गया है। दरअसल बता दें कि इससे पहले 28 अगस्त को भी मूवी के ट्रेलर रिलीज होने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फैंस मूवी से जुड़े हैशटैग शेयर कर फिल्म के ट्रेलर न आने पर अपनी निराशा व्यक्त कर रहे थे। लेकिन अब इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और 2 मिनट 47 सेकंड के इस ट्रेलर में फैंस को एक्शन, ड्रामा और रोमांस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। और जहां ट्रेलर की शुरुआत शाहरुख खान की धांसू डायलॉग से होती है, वहीं इसके बाद वे कई अलग अलग लुक्स में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही शाहरुख खान ने भी जवान मूवी को लेकर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जवान का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। साथ ही 7 सितंबर 2023 को फिल्म दुनिया भर में हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। वहीं अगर मूवी की स्टारकास्ट की बात करें तो शाहरुख खान के अलावा इसमें विजय सेतुपति, सानिया मल्होत्रा और नयनतारा मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं, जबकि मूवी में दीपिका पादुकोण का कैमियो भी है। फिल्म का निर्देशन एटली कुमार ने किया है। साथ ही आपको बता दें, किंग खान समेत बड़े सितारों से सजी जवान 7 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें। और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।